Would you ever choose one given a choice? Say that नहीं बस अब एक्ट हाँ अगर मैं एक्टर नहीं होता तो सिंगर होने का सवाल पैदा नहीं होता. Have you ever had you know this feeling कि यार ये गाना अच्छा है मैं भी गाना चाहता हूँ. गाना तो चाहूँगा हर एक फिल्म में एक गाना. हाँ तो एक मिल जाता है कोई ना कोई गाना हर एक फिल्म में गाने के लिए या तो वर्जन होता है रिप्राइज होता है या फिर खुद गाना होता है. So yeah. आपने एक पोस्ट डाला था आई थिंक और ट्वीट वेयर यू सेड दैट यू नो बचपन में इतनी पाबंदियाँ थी एंड नाउ यू नो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस दैट यू पुट ऑन योरसेल्फ. बचपन में पापा की पाबंदियाँ तोड़ने में बहुत मजा आता था और अब बड़े होकर खुद पर लगाई पाबंदियाँ तोड़ी नहीं जाती. वाह ये था वो. That is so true. Hi, this is आयुष्मान खुराना and you're watching me on Bollywood Hungama. Nautanki Sara was an album where you composed the track. Saadi Gali was composed by you? Yeah, and Rochak of course. Did you enjoy the composition phase? Saadi Gali was also made in college. Yeah, so नया मैंने सिर्फ यही हूँ मैं compose किया था और ओ हीरिया compose किया था. हाँ हाँ. Those are the new tracks with Rochak and I jammed together. अकेले मैंने कुछ compose नहीं किया. जो 4 गाने compose किए Rochak के साथ किए and rest of the tracks like मिट्टी दी खुशबू and चन किथा and this one. राता गालियाँ, they're Rochak's compositions. But during compositions and sitting together while you're creating a track, now co-creating a track, कितनी बार होती है आगे पीछे बहस वगैरह कि यार यही रखना है नहीं रखना है चेंज करना है. वो तो वैसी जिंदगी में होती रहती है. That's the best part, you know. अगर आप अपने दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, there's no filter. You know, I want to once interview the two of you all together. तो हो जाना चाहिए था. I swear. I want to know this dynamics. Yeah. This special bond, this longest relationship. Yeah. School से साथ में. We had a band called Gravity. तो school से हमारा band है 8th standard से. So we've been working. In fact, we've been best friends since then. Ayushmann, you're also one actor who's managed to balance your career as an actor and music together. And पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे concerts कर रहे हैं, बहुत सारे live shows कर रहे हैं. So would you ever choose one? Would you given a choice say that नहीं बस अब हाँ अब मुझे music नहीं करना मैं acting करना चाहूँगा या फिर बस actor बन गया हूँ अब I want to just मैं वैसे तो actor ही हूँ. मतलब I always maintain that I'm an actor who sings, not vice versa. और जो मुझे म्यूजिक में लोग प्यार देते हैं उसमें एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है. I'm a purist at heart. मैं क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ. एक टेक्सचर है, दिल से गाता हूँ, यही मेरा टैलेंट है. पर I'm a purist at heart. मैं खुद क्लासिकली ट्रेंड सिंगर्स को सुनता हूँ, उनके गाने पसंद करता हूँ या इंस्ट्रूमेंटल जो भी बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनको पसंद करता हूँ. अब अगर मैं एक्टर नहीं होता तो सिंगर होने का सवाल पैदा नहीं होता. लाइक इवन आई गो टू द कॉन्सर्ट्स, अगर वहाँ पर लोग टिकट खरीद रहे हैं वो इसलिए भी खरीद रहे हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ. तो एक्टर होने का फ़ायदा मेरे सिंगर को होता है. कमाल की बात है. इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. आई थिंक इट्स हेल्प्ड सो मच. इट्स अ ब्लेसिंग. आई थिंक आई एम जस्ट फॉर्चुनेट. क्या कभी आप फिल्म के गानों पर बैठते हैं? डू यू आल्सो सिट एंड डू यू आल्सो यू नो हैव लाइक योर सजेशंस? सजेशन होता है बट इट्स इवेंचुअली प्रोड्यूसर्स कॉल. डायरेक्टर का कॉल है, प्रोड्यूसर का कॉल है, सिचुएशन का कॉल है जो हमारी फिल्म के अंदर होती है. बट या आई जैम विद देम फॉर श्योर. या हैव यू एवर हैड यू नो दिस फीलिंग कि यार ये गाना अच्छा है मैं भी गाना चाहता हूँ? बिकॉज देयर आर ट्रैक्स इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स जिसमें एक वर्जन है जो फिल्म में हमने सुना है. फॉर एग्जाम्पल नज़म नज़म ट्रैक एंड देन ऑर्को का ये म्यूजिक इतना प्यारा है इन इटसेल्फ एंड देन यू सैंग इट टू. तो वाज दैट योर डिसीजन कि It was producer's call. Again, मतलब there's no desperation to sing. अगर वो चाहते हैं और मैं गाना तो चाहूँगा हर एक फिल्म में एक गाना. हाँ. तो एक मिल जाता है कोई ना कोई गाना हर एक फिल्म में गाने के लिए. या तो वर्जन होता है, रिप्राइज होता है या फिर खुद गाना होता है. So yeah. ये बताएं what is this one album that has been extremely close to you? एक फिल्म album. फिल्म album मुझे रॉकस्टार के गाने बहुत पसंद हैं. मतलब that phase I was shooting for Vicky Dono my first film 2011. तब वो फिल्म आई थी और गाने तब रिलीज हुए थे उसके. So while I was shooting for Vicky Dono, I was constantly listening to Rockstar songs. और Delhi 6 के गाने अच्छे लगते हैं मुझे. दोनों by default रहमान songs हैं. Right. And उससे पहले DDLJ, वो तो hey डर DDLJ guide SD वर्मन साहब काफी पहले चले जाएं तो. So these are the favorite albums. But बचपन कैसा गुजरा? Like were you surrounded by music? Was family okay with you going crazy with? Were you academically very strong? I was good. Achha. Academically I was pretty good. तो मतलब ये ओवरऑल ऑलराउंडर हमेशा से रहे हैं आप? हाँ ये फर्क ये था कि मेरे घर में डिस्करेज नहीं करते थे जी आर्ट्स को लेकर, मतलब क्रिएटिविटी को लेकर। जिस जनरेशन से मिलेनियल्स हैं उनको हमेशा डिस्करेजमेंट मिले, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं बन सकते। पर मेरा एक हाउस होल्ड ये था कि जहाँ पर हाँ बेटा गाओ, हाँ डांस करो, जाओ स्टेज पर एक्टिंग करो, इनकरेज करते थे। सो दैट वाज द ब्लेसिंग, ये होता था। और दादी से आया सबसे पहले तो। माय ग्रैंड मदर शी यूज्ड टू सिंग इन अ गुरुद्वारा एंड शी यूज्ड टू मिमिक एक्टर्स, तो उनसे आया है। उसके बाद पापा, सो उनके थ्रू आया। यू नो आपने एक पोस्ट डाला था, आई थिंक, और ट्वीट वेयर यू सेड दैट यू नो बचपन में इतनी पाबंदियां थी एंड नाउ यू नो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस दैट यू पुट ऑन योरसेल्फ। तो एज अ किड क्या पाबंदियां आपको तोड़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? क्या डाला था पोस्ट, बचपन में पापा की पाबंदियाँ तोड़ने में बहुत मज़ा आता था और अब बड़े होकर खुद पर लगाई पाबंदियाँ तोड़ी नहीं जाती। वाह ये था वो। That is so true. बहुत बहुत सच है इसमें यार। बचपन में क्या होता था कि ऑफ कोर्स बचपन क्या, लाइक कॉलेज डेडलाइंस होती थी फालतू की, 11 बजे से लेट नहीं हो सकते, ये नहीं कर सकते। और मैं हमेशा ना 11 बजे घर पे आता था, जब सो जाते थे मैं चेकआउट कर जाता था वापस। फेलो क्लास टू गो आउट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग टू कम बैक। तो वो तोड़ने में बड़ा मजा आता था बचपन में, पापा की बंदिशें पाबंदियां तोड़ने में। अब बड़े होकर वही पाबंदियां मुझ पर हैं। हाँ। नो आई डोंट ब्रेक द रूल्स, वो तोड़ी नहीं जाती। अगर अगले दिन शूट है, आई विल स्लीप ऑन टाइम, आई विल मेक श्योर आई स्लीप ऑन टाइम। बट हाउ आर यू एज अ पेरेंट, आर यू अ स्ट्रिक्ट फादर? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई एम ओके। यू आर ओके? या या, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल। You don't look like a strict person. I have my phases. Oh, yeah. That seems dangerous. Like strictness is like a mood swing. Strictness is like a mood swing. आज strict होने का mood है, चलो strict हो जाते हैं. It's like that. Otherwise, मैं strict नहीं. But are you going to be more strict with, you know, coming up with more singles? I believe that बहुत सारे singles in this year आने वाले हैं, right? Yeah, it just needs a lot of discipline. It's just that in the past like 2-3 years. I was releasing at least 2-3 films a year. Yeah. इस बार मैं सोचूंगा 2 से ज्यादा फिल्में ना करूं, बल्कि 2 से ज्यादा singles करूं. So that's the plan. That I want to explore more music because it's just it comes straight from my heart. हम फिल्मों में फिर भी गणित लगाते हैं कि चलो यार ये फिल्म OTT की है, फिल्म थिएटर की है, ये फिल्म ऐसे करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए. But when I compose, when I of course compose मैं कम ही करता हूँ, रोचक compose करता है. When I jam with रोचक, रोचक जब कंपोज करता है, वी आर टुगेदर या सिंगल्स में आप करूंगा, इट विल बी कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। बट यू जस्ट स्पोक अबाउट द गणित, सच्ची बता दो यार आयुष्मान खुराना, हाउ इज इट दैट एवरी फिल्म दैट यू चूज, द फिल्म दैट द रोल दैट यू चूज हैज समथिंग डिफरेंट, इट्स गॉट अ सोशल मैसेज, यू कम आउट डिफरेंट, यू ऑलवेज यू नो सरप्राइज अस, हाउ डू यू डू दिस, व्हाट इज योर गणित? माय गणित इज दैट आई शुड बी सरप्राइज्ड बाय द स्क्रिप्ट, आई जस्ट कंज्यूम स्क्रिप्ट लाइक एन ऑडियंस, कि अगर मुझे पॉपकॉर्न और मैं एक्साइटमेंट हो रही है मुझे नरेशन लेते हुए या पढ़ते हुए, सो आई एम ऑन। मतलब ऐसी कोई फिल्म, ऐसी स्क्रिप्ट जो पहले कभी बनी ना हो, कभी एक्सप्लोर ना की गई, नॉवल आइडिया हो, बस सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं। Do you have an actor in mind who also chooses unconventional roles like you do? यार आजकल तो unconventional choices का ज़माना हो गया, OTT पे सब कुछ unconventional ही है। So OTT is a perfect platform for experiments and being unconventional and pushing the envelope. So I think everybody is doing it now. Correct. Yeah. Now the challenge is how these unconventional films will do well in cinemas. I'm so glad कि अब mid-budget फिल्में अच्छा कर रही हैं. So it's like a silver lining. Dream Girl 2 is coming. Yep. Tell us all about it. What's the excitement like? Dream Girl 2 के लिए बहुत excited हूँ क्योंकि एक blockbuster फिल्म की franchise है, पहली बात ये है, और ऊपर से भी push the envelope, we have taken it to next level. ये सिर्फ आवाज़ नहीं बदला, इसने अपना हुलिया बदल लिया इसमें। Of course आपने teasers में आपको पता लग रहा होगा, दिख रहा होगा पूजा जो दिख रही है आपको। So it's going to be really really exciting. और it's a perfect theatrical. I agree. I totally agree. Hi, this is Ayushmann Khurrana and you're watching me on Bollywood Hungama.